सो वेलकम टू माई ब्लॉग ऑन माउंट आबू। राइट नाउ आई एम इन माई होटल। मुझे एक घंटा हुआ है अभी चेक इन किए हुए। एक्चुअली मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी जोधपुर से, जहाँ से मैंने सुबह 6 बजे ट्रेन ली थी एंड देन मुझे यहाँ आबू रोड पहुँचते हुए 10:15 बज गए थे। वहाँ से देन अपने होटल तक आने के लिए मुझे 1 घंटे का टाइम लगा। स्टेशन से आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अपने होटल तक आने के लिए। वहाँ पे शेयर्ड कैब्स, प्राइवेट टैक्सीज, बसेस हैं। मैंने शेयर टैक्सी का यूज़ किया यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड मुझे अराउंड 45-50 मिनट्स लग गए यहाँ पहुँचने में। ओवरऑल यहाँ का व्यू जो है वो अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते बहुत प्यारे थे। मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड थी यहाँ घूमने के लिए, लेकिन इतने सुंदर रास्ते और बाहर का प्यारा मौसम देख के मेरी एक्साइटमेंट का लेवल डबल हो गया है। तो अभी मैंने पहले सोचा था आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट बिफोर आई गो आउट, लेकिन नो, आई विल मिस ऑल द प्रिटी व्यूज। इसलिए आई एम जस्ट ऑल रेडी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो आउट एंड एक्सप्लोर माउंट आबू। एंड यहाँ पे 2-3 प्लेसेज हैं जो नियर बाय हैं, जो कि फेवरेट प्लेसेज में आती हैं। सो लेट्स सी क्या है वहाँ पे। राइट नाउ आई एम एट नक्की लेक एंजॉइंग द बोट राइड। ये जो बोट हमें मिली है इसका नाम है BMW। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बोट्स हैं एंड उनका प्राइस वेरी करता है, बट हमें अभी यही मिले बिकॉज बाकी सारी यूज़ में थी। इसका प्राइस है 400 पर पर्सन। थोड़ा प्राइसी है लेकिन वर्थ द व्यू। यहाँ पे बाहर बैठने के लिए काफ़ी प्लेस है जहाँ पे बहुत दुनिया आ रखी है, लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं बीच में इस लेक के, तो डू टेक दिस बोट राइड। चारों तरफ इतना प्यारा व्यू है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ दैट। सामने आप ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज स्टार ड्रॉप। सो टूरिस्ट जब भी आते हैं तो इस प्लेस को भी ज़रूर विजिट करते हैं। अभी भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख रही है। नक्की लेक के बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रॉड रॉक, जिसके लिए हम ये रास्ता लेने वाले हैं। किसी ने हमें बताया कि यहाँ से एक और रास्ता भी जाता है जो सीढ़ियों के थ्रू है, बट उससे हमें जाने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो इट विल टेक अस ओनली 10 मिनट्स। तो इसलिए हम ये छोटा रास्ता लेने वाले हैं। अगर आप आएँ तो आप वो लंबा रास्ता भी ले सकते हैं और सीढ़ियों के थ्रू वहाँ ईजिली पहुँच सकते हैं। वॉक करके आए हैं ऊपर एंड इस पॉइंट पे जो कि मेरे पीछे है रघुनाथ जी मंदिर गौशाला ट्रस्ट। यहाँ से एक रास्ता हमें ऊपर की तरफ के लिए दिख रहा है एंड ऊपर से काफ़ी शोर भी आ रहा है, तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट जहाँ पे हमें जाना है। तो हम यही वाला रास्ता लेने वाले हैं एंड देखते हैं फिर आगे हमें कितना टाइम लगता है। नीचे से ऊपर आ गए हैं। ऑल दो ट्रैक करके हम आ तो गए बट रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट था, तो आई वुड सजेस्ट आप लोग इस रास्ते से ना आए, आप सीढ़ियों वाला रास्ता लें और थोड़ा लंबा होगा लेकिन सेफ रास्ता वही है। यू कैन सी पीछे का व्यू कितना मस्त है और यहाँ तो दोनों तरफ अलग अलग व्यूज हैं, वो भी इतने प्यारे। एंड पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाई तो क्या बात है। तो मैं तो अपनी मैगी एंजॉय कर रही हूँ इस प्यारे से व्यू के साथ।
काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी हम जाते वक्त इन्हीं सीढ़ियों का यूज़ करेंगे सो दैट हम ये वाला रास्ता भी दिखा पाए। सो अब हम नीचे जा रहे हैं इस सीढ़ियों वाले रास्ते से। ऊपर से आते वक्त थोड़ा सा ये रॉकी सा एरिया है बट नीचे ये सीढ़ियाँ ठीक हैं। तो बी केयरफुल। अच्छा था कि नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी हम नक्की लेक के किनारे पे हैं। वेदर बहुत ही मिस्टी हो गया एक्चुअली, आगे साइड में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है एंड सिंस अभी रात भी हो जाएगी तो हम और प्लेसेस कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए नाउ विल हेड टूवर्ड्स द होटल। रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह दिखा तो वी विल देयर एंड आज का दिन आई थिंक विल कंक्लूड इट हियर। दिस वॉज मी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज रियली नर्वस वाइल डूइंग इट। वो आपको वीडियो में भी दिखा होगा एंड उससे भी ज़्यादा मैं अभी नर्वस हूँ इसे पोस्ट करते टाइम। बट अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दिस वुड मीन अ लॉट टू मी एंड वुड एनकरेज मी टू डू इट मोर ऑफन।